नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और कल हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन करे थे एमसीक्यू और हमने यहाँ तक किए थे, ठीक है ना। आज इस चैप्टर से हमने शुरू करना है आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास, यहाँ से करना है हमें। चलिए पहला क्वेश्चन है, कैंटन शब्द किससे संबंधित है। कैंटन ऑप्शन है भारतीय समुद्री बंदरगाह, चीनी समुद्री बंदरगाह, एक नदी, चीन का व्यापारिक संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी समुद्री बंदरगाह। एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए, चीन में विदेश व्यापार के लिए कैंटन एक समुद्री बंदरगाह था और इसी को अरब यात्रियों ने कानफू कहा। ये पूछ सकता है कि कैंटन और कानफू शब्द किसके लिए कहा गया, तो याद रखना चीनी समुद्री बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको देखो मैं पहले ही देख लेती हूँ, असत्य बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताना है, असत्य बताना है। मैं पहले कल भी वो कर दिया था, सत्य बता दिया था, एक बार पहला है कि भारतीय व्यापारी गिल्डों में यानी कि श्रेणियों में संगठित थे। दूसरा है मणिग्रामन और नानदेसी प्रमुख श्रेणियाँ थी। तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के साथ साथ हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों का भी समावेश हुआ। इसमें आपको क्या बताना है, असत्य बताना है। देखो पहला बिल्कुल सही है कि श्रेणियों में संगठित थे, जिनको गिल्ड बोला जाता था, है ना, और मणिग्रामन और नानदेसी की प्रमुख श्रेणियाँ थी। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था दक्षिण पूर्व एशिया, बोरोबुद्धूर मंदिर याद है, बुद्ध से संबंधित था और भी, है ना, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि बौद्ध धार्मिक विचारों का समावेश, हिंदू और बौद्ध, मतलब बौद्ध मेन था, ठीक है ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, हाँ केवल कथन तीन असत्य है। भारतीय व्यापारी गिल्डों में संगठित होकर व्यापार करते थे। प्रारंभिक काल से ही मणिग्रामन एवं नानदेसी श्रेणियां सक्रिय थी। वन और टू तो मैंने बता दिया सही है। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में व्यापारियों के पीछे पीछे पुरोहित भी उन देशों में पहुंचे। उन क्षेत्रों में बौद्ध एवं हिंदू धर्म का समावेश हुआ, ना कि हिंदू और मुस्लिम का। याद मैंने कल ही बताया था जावा के एक बोरोबुद्धूर जो मंदिर था वो बौद्ध मंदिर, और कंबोडिया के अंकुरवाट का विष्णु मंदिर दोनों ही इन धर्मों के प्रसार के प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूडल समाज, आपको फ्यूडल समाज के बारे में बताना है, यानी कि सामंतवाद, फ्यूडलिज्म बताया था कल मैंने। इसने फ्यूडलिज्म, मैंने कल गुप्तोत्तर गलती से बोल दिया था, मौर्योत्तर से शुरू हुआ, सातवाहन काल मौर्योत्तर, यानी कि मौर्यों के बाद आए थे सातवाहन, तो सातवाहनों में शुरू हुआ था, मतलब उदय के कारण जब आपसे पूछेगा ना तो आप लिख सकते हैं कि सातवाहनों में क्या हुआ था ना, भूमिदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वो सबसे मेन रीज़न था, ठीक है। तो पहला इसका ऑप्शन है कि इसने राजा की स्थिति कमज़ोर की और वह सरदारों पर निर्भर हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहा है, ये सेकंड बोल रहा है कि फ्यूडल सरदारों के प्रभुत्व से ग्रामीण स्वशासन भी कमज़ोर पड़ा, ठीक है ना। और तीसरा बोल रहा है इनके पास अपना सैन्य बल नहीं था। और इसमें आपको क्या बताना है, देखो फिर से असत्य पूछा है, और कल ही मैंने आपको कहा था कि जो सामंत थे ना, जो सरदार थे, उनके पास अपनी सेना हुआ करती थी, यहाँ पे लिखा हुआ है सेना नहीं थी, तो ये तो गलत ही होगा ऑब्वियसली। तो कथन तीसरा जो है वो गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है, ग्रामीण स्वशासन कमज़ोर पड़ा था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल तीन। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, फ्यूडल समाज में प्रभुत्व की स्थिति उन लोगों की होती थी जो जमीन को जोतने और बोने का काम तो नहीं करते थे लेकिन अपनी जीविका उसी से प्राप्त करते थे। भारत में फ्यूडल समाज से राजा की स्थिति कमज़ोर हुई और वह उनके सरदारों पर निर्भर हो गया। छोटे राज्य गांव की अर्थव्यवस्था को प्रश्रय देते थे जिससे गांव के समूह या गांव आत्मनिर्भर होते थे। फ्यूडल सरदारों ने ग्रामीण सुशासन पर भी अपना प्रभुत्व कायम करके इसको क्या कर दिया, कमज़ोर बना दिया, और इन सरदारों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में आपको बताना है। पहला है कि स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था। तीसरा बोल रहा है मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को कोड़े व खरपच्चे से पीटने का अधिकार देता है। मतलब देख रहे हो कितना घटिया चीज़ है ये मत्स्य पुराण में। तो इसमें आपको सत्य बताना है और मेरे हिसाब से इसका तीनों ही सत्य होंगे। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही, इसके तीनों ही सत्य हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वही है कि वो मानसिक दृष्टि से हीन मानते थे स्त्रियों को। बहुत ही दयनीय दशा थी स्त्रियों की प्रारंभिक मध्यकाल में भी खैर दयनीय थी। उनका कर्तव्य था कि आँख मूंद कर पति की व उसके परिवार की सेवा करना। उस काल में स्त्रियों के वेद पढ़ना वर्जित हो गया था। मत्स्य पुराण पति को अधिकार देता है कि अगर पत्नी गलती करता है तो उसे कोड़े या खरपच्चे से पीट सकता है। देखो स्त्रियों की ना दशा कभी कभी पूछ लेता है, स्त्रियों की स्थिति दशा,
तो प्राचीन में ना, जब आप शुरू में लिखोगे प्राचीन में बहुत अच्छी थी, फिर धीरे धीरे ना निम्नतर होती गई और प्रारंभिक मध्यकाल में बिल्कुल दयनीय, और मध्यकाल में भी दयनीय ही रही है स्त्रियों की स्थिति, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें आपको बताना है कौन कौन से सुमेलित हैं, देखो कौन कौन से मतलब सही हैं, ठीक है ना। हरिषेण के आगे लिखा हुआ है वृत्त कथा कोश, भास्कर के आगे लिखा हुआ है लीलावती, और पाणिनि के आगे लिखा हुआ है न्याय। तो मेरे हिसाब से पाणिनि न्याय नहीं था, गौतम की थी न्याय, याद होगा अगर आपको, गौतम की न्याय थी, पाणिनि की थी अष्टाध्यायी, है ना। तो तीसरा अगर मैं काट दूं तो इसका आंसर तो वैसे ही निकल रहा है 1 और 2, तो देख लेते हैं, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो ए बिल्कुल 1 और 2 सही है, हरिषेण की क्या है, वृत्तकथा कोष, जिसमें कि भारतीय क्षेत्र की भाषाओं वेशभूषा आदि का वर्णन है, और भास्कर जो लीलावती है वो गणित की है, बताए जो दीर्घकाल तक गणित का मानक ग्रंथ बना रहा, और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, मैंने अभी आपको बताया, और न्याय किसकी है, गौतम की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है चतुर्दान, चतुर्दान किससे संबंधित है, चतुर्दान एक सिद्धांत है, वो किससे संबंधित है, तो ये जैन सिद्धांत से संबंधित है, किससे है, जैन सिद्धांत से, ठीक है ना। चतुर्दान एक जैन सिद्धांत है जिसमें विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत के बारे में आपको बताना है, लिंगायत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला है कि इसके संस्थापक बासव और चन्नबासव थे, दूसरा कि ये शिव के उपासक थे, तीसरा इन्होंने बाल विवाह का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन किया, और ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, लिंगायत आंदोलन, इसका आंसर 1 और 2 3 हो जाएगा, तो डी इसका आंसर दे रखा है इन्होंने। इसको पढ़ लेते हैं, 12वीं सदी में इस धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ, इसे लिंगायत या वीर शैव आंदोलन भी कहते हैं, इसके संस्थापक वासव व चन्नबासव थे, ये कलचूरी दरबार से संबंधित थे, कलचूरी किससे संबंधित है, कलचूरी से, याद रखना, और ये शिव के उपासक थे, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, उपवास भोज तीर्थ यात्रा यज्ञ को नकार दिया, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के बारे में आपको बताना है कि इन इसमें से कौन सा कथन उनके बारे में सही है, पहला इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है, मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया, वेदों पर आशंका जताई, देखो इनका जन्म तमिलनाडु में नहीं केरल में हुआ था, और इनके दर्शन को द्वैत नहीं जबकि अद्वैतवाद कहते हैं, है ना, अद्वैतवाद, ठीक है, शंकराचार्य का दर्शन था अद्वैतवाद, और वेदों पर आशंका जताई, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ना मतलब सही बताना है, मतलब ये वेदों पर आशंका जताई ये गलत है, इन्होंने वेदों पर विश्वास करा, और इसका इन्होंने बस ये बोला था कि मोक्ष का मार्ग क्या होगा, भक्ति, इन्होंने भक्ति पर बल दिया था, तो इसमें तीसरा बिल्कुल सही है। एक बार पढ़ लेते हैं, शंकराचार्य का जन्म केरल में 9वीं सदी में हुआ था, अद्वैतवाद दर्शन, शंकर का दर्शन है अद्वैतवाद, अभी मैंने आपको बताया अद्वैतवाद, इन्होंने 9वीं सदी में जैन व बौद्ध धर्म को चुनौती दी देते हुए हिंदू धर्म को नए सिरे से सूत्रबद्ध किया, उन्होंने ईश्वर व उसकी सृष्टि को एक माना, और मोक्ष का मार्ग क्या बोला इन्होंने, मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति को बताया, इसका आधार ज्ञान है, शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोत के रूप में फिर से प्रतिष्ठित किया। तो ये शंकराचार्य ना बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कब हुआ था ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, कभी कभी पूछ लेता है वो कि 8वीं सदी में हुआ, 7वीं, इस टाइप में स्टेटमेंट, और अद्वैतवाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको कालक्रम अनुसार लगाना है, देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि इनका जन्म कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो कालक्रम अनुसार बताना है आपको इन संतों का, तो रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, ये दे रखे हैं आपको, आपको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य का जो जन्म है अभी मैंने आपको बताया कि इनका हुआ था 8वीं सदी में, है ना, कब हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था इनका जन्म मतलब 800 समथिंग में हुआ था, 812 या 800 कुछ समथिंग, जिसको कि हम 9वीं सदी बोलते हैं, मैंने 8वीं सदी बोल दिया, मतलब अभी मैंने क्या बोल दिया था, 9वीं, वो 800 समथिंग, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, बट समथिंग 812 समथिंग केरल में हुआ था, 812 ईस्वी में, मतलब 9वीं सदी में हुआ था, और रामानुज आई थिंक उनके बाद आए थे, आई थिंक 11वीं सदी में आए थे रामानुज, जहाँ तक मुझे ध्यान है, है ना। तो इसका आंसर सबसे पहले शंकराचार्य आ जाएगा, और ये तो बाद में आए, रामानुज के बाद आए माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, तो ये तो सही है, बी तो बिल्कुल सही, लेकिन एक्सप्रेशन देख लेते हैं कब किसका जन्म हुआ। शंकराचार्य का जन्म 9वीं सदी में केरल में हुआ था, और 11वीं सदी में रामानुज आए थे, रामानुज ने मोक्ष मार्ग पाने के लिए भगवत कृपा का महत्व दिया, रामानुज का अनुसरण करते हुए दक्षिण भारत में माधवाचार्य और उत्तर भारत में वल्लभाचार्य आए थे, रामानंद आदि विद्वान चिंतकों ने अपने विचार दिए। तो सबसे पहले याद रखना शंकराचार्य,
फिर आए तुम्हारे रामानुज और फिर आए थे माधवाचार्य और बल्लभाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर है संघर्ष का युग। संघर्ष का युग क्यों बोलते हैं इसको 1200 में, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था ना, आक्रमण हुए थे। इसमें गजनवी आएगा, गौरी आएगा, बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुए थे। और ये जो भारत, मतलब उस टाइम पे जो भारत था उस टाइम का, वो बहुत सारे अलग अलग उसमें बटा हुआ था। मतलब अलग अलग उसमें एक एकता नहीं थी, एक नहीं कह सकते हम कि हाँ एक ही राजा का शासन था, ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग कश्मीर में किसी और का, पंजाब में किसी और का, दिल्ली में किसी और का, तोमर थे दिल्ली में, है ना, तो ऐसे अलग अलग उसमें बटे हुए थे। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, संघर्ष का युग। आपस में संघर्ष कर रहे थे और बाद में बाहर से भी आक्रमण होने लग गए। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्राप्त थी, अमीर उल उमरा की, ठीक है ना। तो पहला है स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति, युद्ध में जीते हुए गुलाम, अफरासियाब की वंशज और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सेनापति थे ना स्वतंत्र हुए वे, उनको बोला जाता है अमीर उल उमरा की उपाधि, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं एक बार। नवीं सदी का अंत होते होते अब्बासी खिलाफत का पतन हो चुका था। खलीफाओं ने एकता को कायम रखने के लिए एक तरीका अपनाया और कहा कि जो सेनापति अपने लिए स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं उन्हें अमीर उल उमरा या सेनापतियों के सेनापति की उपाधि दी जाएगी। अतः अमीर उल उमरा स्वतंत्र जो स्वतंत्र क्षेत्र के जो स्थापित करने वाले सेनापति थे उनको उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामानियों के संबंध में आपको बताना है, इसमें सत्य बताना है। सामानियों के संबंध में पहला है कि ये ट्रांस ऑक्सियाना खुरासान में ईरानी मूल के शासक थे। दूसरा है कि राज्य की सुरक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा हेतु भी संघर्षरत थे। इसमें आपको सत्य बताना है। तो मेरे हिसाब से शायद दोनों ही सही होंगे, एक बार देख लेते हैं। यस दोनों ही सही हैं। नवी सदी के अंतिम दौर में ट्रांस ऑक्सियाना और खुरासान ईरान के कुछ हिस्सों पर सामानियों का शासन था और वो ईरानी मूल के थे और इन्होंने एक सैन्य बल भी गठन किया था जिसे गाजी, जो गाजी कहलाए थे और ये एक ईरानी मूल के शासक थे। और तुर्क लोग जो थे प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे, अतः ये मुसलमानों की निगाह में विधर्मी थे। इसलिए इनकी लड़ाई राज्य की सुरक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा की भी लड़ाई थी। इसलिए गाजी जितने योद्धा थे उन्हें ही धर्म के उतने ही धर्म के रक्षक भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्क गुलाम, इसमें सत्य बताना है आपको। तुर्क गुलाम अलप्तगीर ने गजनी को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महमूद गजनवी ने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों का राज्य और धर्म की रक्षा हेतु सामना किया। देखो आएगा यहाँ पे, मतलब अब यहाँ पे आने लग जाएंगे तुर्क गुलाम, मतलब ये जो है ना मध्यकाल, मतलब मध्यकाल भी क्या, पूर्व मध्यकाल बोल सकते हो आप। जैसे अलप्तगीन है, ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, अलप्तगीन, फिर आएगा सुबुक्तगीन और फिर आएगा महमूद गजनवी। अलप्तगीन ने तो एक तरह से गजनी में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, गजनी को अपनी राजधानी बनाया। सुबुक्तगीन आक्रमण की करेगा कोशिश भारत में, ठीक है ना, लेकिन एक तरह से सफल कौन होगा, महमूद गजनवी, मेन उसी का आक्रमण माना जाता है। तो ये आपको पूछ सकता है पहले कौन आया फिर कौन, फिर मतलब इस टाइम में राजा ना गजनी वगैरह के। चलिए तो इसमें दोनों ही आपके सही होंगे, तो पढ़ लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं इसका। दोनों ही कथन सत्य हैं। सामान्य सूबेदारों में अलप्तगी नामक एक तुर्क गुलाम भी था जिसने कालांतर में गजनी को अपनी राजधानी बनाई और उसको स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। मध्य एशियाई जनजातियों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व तो भी गजनवियों ने संभाल लिया। 998 से 1030 ईस्वी तक गजनी पर शासन करने वाले महमूद को मध्यकालीन इतिहासकार इस्लाम का नायक मानते थे, ठीक है ना, इस्लाम का क्या मानते थे, नायक मानते थे। इसने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों से राज्य और धर्म की रक्षा करने के लिए शूर वीरता का सामना किया। अब है शाहनामा के लेखक कौन है इनमें से, आपको बताना है शाहनामा, ठीक है। जो भी इनमें शाहनामा के लेखक है ना वो गजनवी के दरबार में थे। ये कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन गजनवी के दरबार में थे। तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी और ये गजनवी के दरबार के लेखक थे, ठीक है ना, महमूद गजनवी के। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। फिरदौसी की रचना शाहनामा ने की जो फारसी भाषा में लिखी गई है। सामान्य राज्य में फारसी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। इस ग्रंथ में ईरान और तुरान के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। इसमें प्राचीन ईरानी नायकों को की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया। महमूद गजनवी के लिए बोल रहा है कि उसने किस वंश से अपने को बताया कि मैं उस वंश से संबंध रखता हूँ। तो ये आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में कि बहुत लोग ना उस वंश से अपने आप को जोड़ते थे। बलबन ने भी उस वंश से अपने आप को जोड़ा था। अब्बासी वंश, गुलाम वंश, अफरासियाब या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा अफरासियाब वंशज। ऑब्वियसली जो महान वंश होता है ना उसी से सब लोग जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जब कोई आईएएस बन जाता है ना तो सब उसको दूर दूर के रिश्तेदार भी उससे अपने आप को जोड़ते हैं, है ना।
अब जो बेरोजगार है या फिर कुछ नहीं कर रहा है या फिर या क्या बोलूँ, दुकान है सिंपल कुछ कर रहा है, उससे नहीं जो उससे थोड़ी ना अपने आप को जोड़ने में प्रशंसा वो करेंगे ना जो बड़े आदमी होंगे, कोई नेता, कोई बड़ा नेता, अरे वो मेरे उसका रिश्तेदार है, अरे वो दूर दूर के उससे रिश्ते जोड़ने आ जाएंगे। ऐसे ही था, सामान्य नागरिक जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त अपने आप को किससे जोड़ता है, लिच्छवी वंश से जोड़ता है, अगर आपको पता हो तो। गुप्त साम्राज्य को जो सम्राट था समुद्रगुप्त का, अपने आप को किससे जोड़ता है, लिच्छवी वंश का दौहित्र बोलता है वो, है ना। तो यही तो होता है ना, हर कोई अपने आप को किससे जोड़ना चाहता है, बड़े बड़े वंश से, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नेताओं से, है ना, यही है। तो इसमें आपको, इसमें इसने किससे जोड़ा था, अफरासियाब से पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। महमूद गजनी ने खुद दावा किया कि वह ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज है। इन पर इसका इतना असर था कि फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं कथन और कारण। बोल रहा है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये तो खैर आपको सुनी, पढ़ा भी नहीं होगा तो आपने सुना ही होगा कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। कारण, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। इसके आगे बस आप क्योंकि लगा दो, क्योंकि अगर आपको ये क्योंकि कारण ये दे रखा है तो तब तो दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि वो यहाँ पे मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, गलत। वो यहाँ पे लूट के लिए आया था, धन के लिए आया था, वो धन लूट कर ले जाना चाहता था वो। तो इसका कथन ए तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं, ए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर असत्य है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया ना, 17 बार आक्रमण तो किया था लेकिन उसका लक्ष्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं बल्कि लूटपाट करना था। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया कि गजनी राजवंश की स्थापना की थी अलप्तगीन ने, अभी ऊपर ही बताया था मैंने आपको, पहले अलप्तगीन आएगा, फिर सुबुक्तगीन आएगा और फिर महमूद गजनवी आएगा। तो इसका आंसर अलप्तगीन हो गया। गजनी राजवंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी, इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में हिंदू शाही शासक था। उस समय कौन था उत्तर पश्चिमी, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था हिंदू शाही शासक, कौन था, हिंदू शाही शासक, ठीक है ना, याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह हिंद, बोल रहा है कि वह हिंद पेशावर के निकट एक जगह है, वहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो वो किस किस के बीच हुई थी वो लड़ाई, महमूद और जयपाल के बीच, महमूद और आनंदपाल के बीच, महमूद और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये तो हटा ही दो, है ना, और महमूद और जयचंद भी हटा दो। अब ए और बी में से क्या हो सकता है, महमूद और आनंदपाल के बीच हुई थी ये लड़ाई, ये हिंदू शाही वंश का शासक था ये भी, जयपाल भी, तो इनकी किसके किसके बीच हुई थी, महमूद और आनंदपाल के बीच वह हिंद की लड़ाई हुई थी। पढ़ लेते हैं। 1001 में महमूद ने जयपाल को हरा दिया था। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंद व आनंदपाल ने पेशावर के निकट वहिंद में 1008 से 9 ईस्वी के बीच महमूद के साथ निर्णायक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पंजाब के खोखर जनजाति ने भी आनंदपाल का साथ दिया था और महमूद की इसमें जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुत शिकन मोहम्मद जो ये था ना, बुत शिकन मतलब कि मूर्ति भंजक, इसकी संज्ञा किसे प्राप्त थी, गजनवी को, महमूद गजनी को, या सुबुक्तगीन को, या गौरी को, या अलप्तगीन को। तो मैंने अभी आपको बताया वो आता था, लूट करता था, मूर्तियां तोड़ता था, कौन, गजनी, महमूद गजनवी, गजनी मतलब उसको कहीं कहीं गजनवी भी बोलते हैं, कहीं कहीं गजनी भी बोलते हैं। तो उसके लिए ये संज्ञा थी ए, यानी कि इसका आंसर है। महमूद का भारत पर हमले का उद्देश्य धन लूटना, इस्लाम का यश बढ़ाना, कन्नौज और सोमनाथ पर आक्रमण करके खुद को बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर उसने अपने आप को पेश किया। महमूद गजनी के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन से कथनों इसमें कौन कौन से कथन सत्य नहीं है, ये जरूर देख लेना, ठीक है ना। उसने 1025 पर सोमनाथ पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही। वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, मुस्लिम शासन स्थापित नहीं बल्कि वो धन और लूटपाट के लिए आया था। तो इसमें सत्य नहीं बताना है तो केवल 2 सत्य हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। महमूद गजनी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। देखो ये कर सकता है सीक्वेंस वाइज, है ना, कन्नौज पर आक्रमण, फिर सोमनाथ पर, तो आपको याद होना चाहिए 1018 में किस में किया, कन्नौज पर, 1025 पर सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, उसने खूब लूटा यहाँ पे। उस समय गुजरात का शासक कौन था, भीम द्वितीय था, ठीक है। महमूद का जो अभी मैंने आपको बता चुका है कि उसका उद्देश्य धन, मंदिरों को लूटना, नगरों को लूटना, है ना, यही सब था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें आपको कौन कौन से, अच्छा सही सुमेलित बताना है, ठीक है ना, सही सुमेलित इनमें से कौन कौन से हैं। गैड़वाल के आगे कन्नौज लिखा हुआ है, चौहान के आगे अजमेर, परमार के आगे मालवा लिखा हुआ है, ये राज्य थे और ये शासक थे। तीनों ही मेरे को लग रहा है ये सही होंगे, मालवा के परमार, कन्नौज के गैड़वाल, यही सब हैं,
तीनों ही सही हैं इसका आंसर, तीनों ही सही हैं। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद, याद है मैंने आपको कल ही बताया था कि त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था, गुजर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट, है ना। तो जब प्रतिहार साम्राज्य का विघटन हो गया तो उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इनमें महत्वपूर्ण थे कन्नौज के गहड़वाल, मालवा के परमार, अजमेर के चौहान। इन गहड़वालों ने पालों को बिहार से निकाल दिया, चौहानों ने गुजरात, पंजाब और दिल्ली तक अपना साम्राज्य फैला लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं सदी के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। दूसरा है कि इस समय मंदिर निर्माण हेतु नागर शैली प्रचलन में थी। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों पढ़ लेते हैं। 8वीं सदी के बाद 10वीं से 12वीं सदी के बीच उत्तर भारत में मंदिर निर्माण चरमोत्कर्ष पर था। इस काल में मंदिर निर्माण हेतु नागर शैली प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नागर शैली के बारे में दे रखा है, इसमें आपको देख लेते हैं पहले सत्य बताना है। नागर शैली के संदर्भ में आपको बताना है, गर्भगृह या देउल के ऊपर गुंबद नुमा छत बनी होती थी, गर्भगृह के सामने मंडप बने होते थे। तो ये दोनों ही विशेषता नागर शैली की है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। गर्भगृह या देउल जिसे कक्ष भी कहते हैं, इसकी छत गुंबद नुमा होती थी, ऐसे करके मुख्य कक्ष होता था अक्सर यू में, मतलब ना मुख्य कक्ष जो अक्सर वर्गाकार होता था, कक्ष यू करके वर्गाकार यू में, प्रत्येक उसकी प्रत्येक भुजा से लगाकर कक्ष बनवाए जा सकते थे। गर्भगृह के सामने एक मंडप बनवाया जाता था। कभी कभी मंदिर चार दीवारी से घिरा होता था जिस पर बड़े बड़े सिंह द्वार होते थे, इस टाइप में सिंह द्वार, इस यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस टाइप में, फिर यहाँ पे सिंह द्वार चारों तरफ होते थे, है ना, सिंह द्वार होते थे। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली के संपूर्ण विशेषताएं स्थापित करते हैं। नागर शैली याद रखना, तीन शैली थी मंदिर निर्माण की, नागर, द्रविण और बेसर, है ना। ये मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इनकी विशेषताएं वगैरह डायग्राम सहित आपने इसको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इसमें आपको सूची दे रखी है, वन और इधर जगह है और इधर मंदिर है। मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ और जल्दी जल्दी सर भी करवाएंगे आपको MCQ, क्योंकि ना बहुत सारे MCQ हैं साइंस के भी लाने, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी होगा तो आपका भी कोर्स कंप्लीट होगा, आपके भी MCQ होंगे और मतलब मैं भी कंप्लीट कर पाऊँगी, है ना। तो चलिए इसमें जब मैं पढ़ाऊँगी ना तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी मैं MCQ करा रही हूँ तो MCQ में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेट करके करूँगी। चलिए पहला है कि खजुराहो, माउंट आबू, कोणार्क और भुवनेश्वर। देखो कोणार्क को सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और खजुराहो जो है कंदरिया महादेव मंदिर और माउंट आबू जैन मंदिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और इधर डी का 3, ठीक है, सी इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो मंदिर हैं वो किस में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। इसमें खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर एवं विश्वनाथ मंदिर भी शामिल हैं, पार्श्वनाथ मंदिर जैन का है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वीं सदी से बने उत्तर भारत के मंदिरों के संदर्भ में आपको बताना है। 11वीं सदी से बने, ये सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये मंदिर कई गांवों पर शासन करते थे और व्यवसायिक गतिविधियों में भाग लेते थे। ये जब आप NCERT डिटेल में पढ़ोगे ना तो उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जो उनका बता रखा है उसमें ये सारा दे रखा है। तो ये दोनों सही है, मंदिर पहले सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे, ठीक है ना। तो दोनों सही हैं इसका, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं, 11वीं सदी से बने उत्तर भारत के मंदिरों में अत्यधिक विस्तार एवं अलंकरण दिखाई देता है। यह मंदिर इस काल में सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए थे। इन मंदिरों ने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली थी, सोमनाथ मंदिर इसका उदाहरण था। यह मंदिर कई कई गांवों पर शासन करते थे और व्यवसायिक गतिविधियों में भाग लेते थे। देखो यही तो है ना, सोमनाथ मंदिर में मतलब मंदिरों में धन इकट्ठा हो गया, मतलब समझ लो ना आप, तो तभी तो आक्रमण हुए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर को किसने बनवाया था, भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, वास्तुपाल या विमल शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुपाल, ठीक है ना, वस्तुपाल ने इसको बनवाया था। चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम का मंत्री था वस्तुपाल, जो एक श्रेष्ठ लेखक था, उसने अनेक विद्वानों को आश्रय दिया। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर को भी बनवाया। याद रखना ये तो आ ही सकता है कि माउंट आबू किसने बनवाया था, ये भी आ सकता है कि वस्तुपाल किसके दरबार में था, है ना, ये भी आ सकता है। वस्तुपाल एक लेखक था जिसने माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया, ये किसके दरबार में था, तो ये किसके दरबार में था, भीमदेव प्रथम के दरबार में था। अब है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के भारत आक्रमण। अब आप बोलोगे मैडम ये कौन है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, तो ये मोहम्मद गौरी है, इसका पूरा नाम यही था, ठीक है ना। इसके आक्रमण आपको बताना है, अच्छा इसमें असत्य बताना है, असत्य है। पहला है कि उसने गोमल दर्रे को पार करके मुल्तान और उच्छू को जीत लिया। दूसरा है उसने गुजरात में हार का सामना करना पड़ा।
उसने भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी नहीं समझा। और चौथा है उसने 1191 में तराइन की लड़ाई में गौरी की फौज उस लड़ाई में गौरी की फौज बुरी तरह पराजित हुई। ये तो बिल्कुल सबको पता होगा कि पहले युद्ध में गौरी हार गया था, है ना। इसका आंसर असत्य बताना है तो ये गलत है कि पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी, ये गलत है। उसने पंजाब में एक मजबूत आधार वो करा था, उसने बनाया था, उसने ऐसा नहीं है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो मोहम्मद बिन साम जो था, मोहम्मद गौरी को बोला जाता है, 1178 ईस्वी में राजपुताना रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश की कोशिश की उसने, लेकिन माउंट आबू के निकट एक लड़ाई में गुजरात के शासक से पराजित हुआ, भीम द्वितीय से वो पराजित हुआ था, याद रखना। और उसकी समझ में आया कि भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी है। उसने यही उसने कहा कि अगर भारत पर आक्रमण करना है ना तो पंजाब में अपना आधार बनाना पड़ेगा। और 1192 में सबको पता है कि गौरी हार गया था, और 1192 में क्या हुआ था, गौरी जीत गया था। बस उसके बाद का इतिहास बिल्कुल अलग है हमारे उसका, है ना, हमारे भारत का। चंदावर का युद्ध बताना है आपको, चंदावर का युद्ध तराइन के बाद ही हुआ था, चंदावर का युद्ध 1194 में, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था, जयचंद मोहम्मद बिन साम, जयचंद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद बिन साम और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान, ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, यानी कि मोहम्मद बिन साम के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा देख लीजिए, 1194 में भारत लौटा, वो दोबारा से यमुना नदी पार करके कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर जयचंद से जमकर युद्ध किया और जयचंद की हार हुई इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तराइन का दूसरा युद्ध, अभी मैंने आपको बताया तराइन का दूसरा 1192 में हुआ था जिसमें कि गौरी विजय हुआ था। चलिए तराइन युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन देखा था मैंने, मेंस में आया हुआ था कि महमूद गजनवी, आप किस प्रकार देखते हैं महमूद गजनवी, उसकी विशेषताएं, मतलब उसके बताइए उसके बारे में ना, मतलब एक क्वेश्चन था। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि हमने उसको लिखा कि वो योद्धा था, मतलब बता रहे थे, मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे कि मैम हमने लिखा कि बहुत वो योद्धा था, महान वो था, है ना, उसने इतना 17 बार आक्रमण किया, भारत को लूटा। नहीं, आपको ये नहीं लिखना है कि वो बहुत अच्छा योद्धा, नहीं, गलत। वो एक लूटने वाला था, है ना, लूट मार था वो एक, है ना, वो उसके बारे में ये लिखना है कि वो लूट के ले गया भारत, अच्छा नहीं लिखना है हमने उसके बारे में, याद रखना। वो भारत कि आया और लूट के चला, कोई योद्धा नहीं था। योद्धा की क्वालिटीज़ ये नहीं होती है कि आए और लूट के चला जाए, ठीक है ना, योद्धा नहीं बोलोगे आप उसको। तो इसको ना आप वही, मैं इसीलिए मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी पढ़िए और अपनी समझ बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन युद्ध के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, सत्य बताना है। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने हांसी, सरस्वती और समाना के किलों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने कुछ समय तक अजमेर में शासन किया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही हैं, सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें वही दे रखा है कि पृथ्वीराज को कुछ समय तक मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर शासन करने दिया। और इसकी जो जानकारी लड़ाई के बाद मिले सिक्कों से होती है, जिसमें कि क्या था, एक तरफ पृथ्वीराज है और उसकी तिथि का उल्लेख है, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, मतलब एक सिक्का है जिस पर एक तरफ तो पृथ्वीराज लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी है। तो इसलिए ये पता चलता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसने करने दिया होगा पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं उसने मार दिया, अलग अलग कहानियाँ हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का, 12वीं सदी के अंत में मध्य एशिया का वह कौन सा शासक था जिसने भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जो बाद तक कायम रही। 12वीं सदी के अंत में बताना है, ठीक है ना। तो कौन कौन है, अलप्तगीन, गजनी, मोहम्मद बिन साम और जलालुद्दीन मंगबरनी। तो आई थिंक मोहम्मद गौरी होगा इसका आंसर, क्योंकि उसी ने किया था। जब उसने क्या करा, उसने यहाँ आया और गुलाम वंश की स्थापना भी करी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को वो करा, है ना, बसाया, मतलब यहाँ पे छोड़ दिया। तो 1206 में एक तरह से वो, देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत में सर्वप्रथम मुल्तान व गुजरात पर आक्रमण किया। इसके बाद 1206 में उसका अंतिम आक्रमण खोखर जाति के विरुद्ध था। उसने कई इलाकों पर आक्रमण किया और भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीति व्यवस्था को स्थापित किया जो बाद तक कायम रही। बस यहाँ पे से क्या हो जाता है, गुलाम वंश स्थापित हो गया इसके बाद, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत है आपका 1200 से 1400 ईस्वी, यानी कि ममलूक सुल्तान पहला है। तो ममलूक यानी कि गुलाम वंश, इसको आप याद रख सकते हो, कभी कभी पूछ लेता है, वैसे अब तो नहीं पूछता था लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए। गुलाम वंश आया था पहले, फिर आएगा तुम्हारा खिलजी वंश, फिर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद और फिर आएगा मुगल। तो इसको लिख सकते हो गुलाब, खिला, तसले में तसला होता है ना ऐसे, गुलाब, तो गुलाब से गुलाम, खिला यानी कि खिलजी,
तसले यानी कि तुगलक हो गए, और तसले में तुगलक और वो सैयद हो गए, और मासे हो गया मुगल। इस टाइप में आप इसको याद रख सकते हो। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक यह एक तुर्क गुलाम था, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया। इसमें आपको असत्य बताना है, ठीक है ना, असत्य बताना है। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनवाया था, ना कि दिल्ली को। दिल्ली को बनाया था इल्तुतमिश ने। दूसरा बिल्कुल गलत है, और इसमें केवल टू एक ही में ही है। पहला तो बिल्कुल सही है, तुर्क गुलाम था, यानी कि केवल टू इसका आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम था और उसे भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकार 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद मिला था। कथन वन बिल्कुल सही है, ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, उसने दिल्ली को कभी भी राजधानी बनाने का रुख नहीं किया। और टू बिल्कुल असत्य है, ऐबक को तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने भारत में सल्तनत के विस्तार हेतु नियुक्त किया था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसको बोलोगे आप? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर यहाँ पे बोलेगा ना वास्तविक संस्थापक, तब आप बोलोगे इल्तुतमिश को, ठीक है ना। दोनों अलग हैं, संस्थापक और वास्तविक, तो इसका आंसर ऐबक हो जाएगा। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? ये आपको सबको ही पता होगा, खैर ऑप्शन पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। इसका आंसर हो जाएगा जब वो पोलो खेल रहा था, यानी कि चौगान खेल रहा था, वो घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। ये कोई इतना खास क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी, बस ये याद रखना 1210 में इल्तुतमिश आ गया था। इल्तुतमिश के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए तो पहला है कि उसने तुर्कों की भारत विजय को स्थापित किया, ख्वारिज्म शाह के खतरे को टालने के लिए उसने लाहौर के लिए कूच किया। तो मेरे हिसाब से दोनों ही इसका आंसर सही होगा, बिल्कुल सही। 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिम पर जीत हासिल करना चाहता था, परंतु गजनी पर ख्वारिज्म शाह की विजय ने उसकी चिंता बढ़ा दी और अब ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वारिज्म साम्राज्य के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल सही, भी ऊपर ही इसको पढ़ा हमने। 1218 में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है, मंगोल जब आए ना तो उन्होंने इसको नष्ट कर दिया। ये दोनों ही कथन सही हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 1218 में ख्वारिज्म साम्राज्य को मंगोलों ने नष्ट कर दिया और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से लेकर जक्सार्टिस नदी तक फैल गई थी। और आपको पता ही होगा मध्यकाल में, मतलब ये जो ये आए गुलाम वंश वगैरह, गुलाम खिलजी, सब सबके सब में मंगोल आक्रमण आपको दिखता है। सबसे ज़्यादा खिलजी में हुए हैं, है ना, तुगलक में भी मंगोल आक्रमण आपको दिखता है, तो ये सब के सब मंगोल आ चुके थे यहाँ पर। चलिए सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की? सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी ऐबक ने, यल्दूज ने, इवाज ने, इल्तुतमिश ने? इसका आंसर हो जाएगा इवाज ने, ठीक है। चलिए जब इल्तुतमिश पश्चिमी इलाकों पर ध्यान दे रहा था, तभी बंगाल और बिहार में इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की और अपनी आज़ादी का ऐलान किया। किसने? इवाज ने। 1226-27 में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। ये इवाज किसी एग्जाम में पूछ भी चुका है ये वाला, सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया। अच्छा इसमें असत्य बताना है, नीचे भी आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है। रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। ये संघर्ष हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अच्छा रजिया के शासनकाल में नहीं हुआ, उसके बाद मतलब हुआ होगा, तो केवल टू इसके पहला तो सही है कि रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं को इल्तुतमिश ने रजामंद कर लिया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में फिर विद्रोह हुए थे रजिया के खिलाफ ही, रजिया को बल्कि मार भी दिया गया था। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। अपने जीवन के अंतिम वर्ष उत्तराधिकारी को लेकर इल्तुतमिश काफ़ी परेशान था, बेटों को गद्दी के लायक नहीं समझता था वो, ना इल्तुतमिश अपने बेटों को बिल्कुल नहीं समझता था कि वो गद्दी के लायक है, वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा लायक समझता था। तो इसलिए इसने लास्ट में उसने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को गद्दी पर बैठाऊंगा, और उसने इसके लिए उलेमाओं को भी अपने उसमें पक्ष में कर लिया था, अमीरों को भी। तो पहला तो बिल्कुल सही है। रजिया ने 3 वर्ष तक दिल्ली में शासन किया, परंतु उसी के शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, जिन्हें चहलगामी कहा जाता था। तो वो यही बोल रहा था कि कभी, मतलब यहाँ पे बोल रहा था कभी नहीं हुआ, है ना, मैंने वही बोला कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ था उन दोनों के बीच संघर्ष, तो तभी तो असत्य पूछ रहा था ना, तो ये इसमें वो जाएगा। संघर्ष हुआ उसके बाद,
जैसी रजिया बनी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ना एक महिला महिला के नीचे हम लोग रहें। बल्कि एक लाइन भी है, मैं भूल रही हूँ, एक किसने वो लाइन बोली थी कि रजिया केवल एकमात्र उसके पतन का कारण था, रजिया के एकमात्र, मतलब उस टाइम पे, नहीं तो बहुत अच्छा वो शासन चला रही थी, बस एकमात्र उसका कारण था पतन का कि वो एक महिला थी। मैं भूल रही हूँ किस लेखक ने बोला है, मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट उसमें। तो वही मैं आपको बता रही थी ना कि रजिया के लिए किसने बोला था, अगर मुझे याद आ गया तो, बस शायद मुझे लग रहा है बर्नी ने बोला था शायद, देख लूँगी मैं इसको, तब मैं आपको बता लूँगी कि इसको एग्जैक्टली किसने बोला था कि रजिया एक स्त्री है, यही उसके पतन का कारण है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे रखा है कि चहलगामी कौन थे, चहलगामी चालीसा। यहाँ पे हम दे भी रखा है कि तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया जिन्हें चहलगामी कहा जाता था, ठीक है ना। चहलगामी कौन थे, तो उलेमा, अफगान सैनिक, तुर्क सरदार या रजिया के वफादार सैनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्क सरदार। तुर्क ये किसने करा था चहलगामी का, इल्तुतमिश ने किया था ये, ठीक है ना। चहलगामी तुर्क सरदार थे जिनसे इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। अतः इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे किसी को भी कठपुतली बनाकर गद्दी पर बिठाना चाहते थे, परंतु रजिया के गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया क्योंकि वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। ये भी मेन, मतलब ऑब्वियसली मैं कह तो रही हूँ ना कि रजिया बहुत अच्छी शासिका मानी जाती है, बस वो स्त्री थी, ये उसका वो था मेन, ऐसा बोला जाता है उस टाइम के, मतलब इतिहासकारों के, मतलब उनके द्वारा जो उनके दरबारी में थे, दरबार में लेखक वगैरह थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुर्क सरदार। अच्छा मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ चहलगामी जो ये चालीसा दल था ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने और इसको ख़त्म किया था बलबन ने, याद रखना इसको ख़त्म किया था बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था। ये पूछता है कभी कभी, ईरान का, मिस्र का, अबिसिनियाई का या फिर मंगोल का। तो याद रखना, लिखा भी है एनसीईआरटी में लाइन, अबिसिनियाई अमीर याकूत खां, अबिसिनियाई लिखा हुआ है उसके आगे, तो अबिसिनिया का था, सी इज़ द राइट आंसर। पढ़ लेते हैं कि रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां अबिसिनिया का निवासी था जिस पर मेहरबान होने का आरोप तुर्क अमीरों ने रजिया पर लगाया था। बल्कि बोलते थे कि इन दोनों का चक्कर भी चल रहा है आपस में, मतलब इन दोनों का अफेयर चल रहा है, ऐसे बोला जाता था उस टाइम के चालीसा दल के द्वारा। यही मतलब उसको एक तरह से बदनाम करने की साजिश थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। मैंने अभी आपको बताया था पहले लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे और इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली स्थापित किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता था, तो ऐबक, तुगलक, बलबन और इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा बलबन, उलुग खां बलबन को जाना जाता था इसके नाम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देख लेते हैं कि 1265 में इसने अधिकार कर लिया था, 1265 इसका है टाइम पीरियड, और बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। बलबन के संदर्भ में आपको बताना है कि यह अपने आप को ईरानी अफरासियाब के वंशज से जोड़ता था, मैंने इससे पहले आपको बता चुका था। इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की और बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। देखो पहले आपको बताया था कि अफरासियाब से कौन जोड़ता है, बलबन भी जोड़ता है अपने आप को, और ये भी सही है, बलबन ने एक दीवाने अर्ज बनाया था। तो इसका आंसर तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। दीवाने अर्ज क्या था, एक सैन्य विभाग था, किसने बनवाया था, बलबन ने। तो इसको मुझे लगता है नहीं पढ़ना चाहिए, पर एक बार पढ़ लेती हूँ लास्ट वाली लाइन, शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, कि इसने क्यों बनवाया था ना, कि उस समय मैंने आपको बताया था कि मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था, मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो उसने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित की, उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद के साथ करवाया था, और नसरुद्दीन महमूद का ये उस टाइम, उस समय राजा था, ये शासक था जब करवाया था, ठीक है ना, महमूद एक शासक था। पढ़ लेते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के समय बलबन सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का नायब था, जिसे उसने गद्दी हासिल करने में मदद की थी, अतः अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया, नसरुद्दीन महमूद से करवाया था। सजदा और पेबोज की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की, ये शुरू की थी बलबन ने। मैं आपको बता देती हूँ, बलबन जो था ना ये अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ता था, सजदा और पेबोज की जोड़ता था, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इसका ना एक, ये एक्चुअली में उस टाइम के ना मुस्लिम लोगों में भी होता है कि ये निम्न कुल का, ये अपर, मतलब तो वो ये कहता था कि मेरे को कोई भी लोग ये ना बोले ना कि मतलब मैं उसका हूँ, एक तरह से निम्न उसका हूँ, तो कोई मुझे एक होता है ना डर होता है अंदर, तो अपने आप को फिर बड़े उससे जोड़ा जाता है ना, सजदा पेबोस, ये अफरासियाब वंश से जोड़ना, ये सब कहीं ना कहीं उसका डर था, ठीक है ना। तो ये सब किसने रस्म दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था, बलबन ने, याद रखना।
बल्कि पूछा भी जाता है बलबन की, तो उसको बोला जाता है ना कि बलबन का राजत्व सिद्धांत, जब आपसे पूछा जाएगा ना कभी मेंस में कि बलबन का राजत्व सिद्धांत है ना, तो वो यही आप लिख सकते हो कि उसने अफरासियाब वंश से अपने आप को जोड़ा, सिजदा और पैबोस की रस्म शुरू करी, ये सब किसने की है, बलबन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा तो सबको पता होगा कि दंडवत जो होता था ना, राजा को प्रणाम करना, पैबोस क्या होता था, राजा के कदम चूमना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट पर आ पहुंचा था, चंगेज़ खां, बातू खां या फिर तैर बहादुर, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज़ खां। ये जलालुद्दीन का पीछा करते हुए है ना वो कहाँ तक आ गया था, चंगेज़ खां सिंधु नदी के तट पर आ पहुँचा था, ठीक है ना। चंगेज़ खां ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ पहुँचा, और लेकिन उसने इसे पार कर भारत पर आक्रमण नहीं किया, याद रखना उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई, इसको बोला भी जाता है बल्कि वो रक्त और लौह की नीति भी बोला जाता है इसको, है ना, खून और फौलाद, तो ये आपकी की है बलबन ने, एक बलबन की रक्त और लौह नीति और एक राजत्व सिद्धांत, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए पढ़ लेते हैं, जब दिल्ली के आसपास के इलाकों तथा दुआब में शांति सुव्यवस्था की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, गंगा यमुना दुआब और अवध की सड़कें चोर डाकुओं से घिरी रहती थी, आसपास के पूर्वी क्षेत्र में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बना लिए थे, शासन को चुनौती दे रहे थे, इन सब से निपटने के लिए बलबन ने खून यानी खून और फौलाद, रक्त और लौह की नीति अपनाई, बदायूं के राजपूत गढ़ों को नष्ट कर दिया, सड़कों को साफ कराकर अफगान सिपाही वहां नियुक्त कर दिए। चलिए आगे है कि इसमें मध्यकालीन राज्य हैं और इधर उनके वर्तमान नाम हैं, आपको बताना है इसमें कौन कौन युग्म सुमेलित हैं, तिरहुत उत्तरी बंगाल, राधा दक्षिण बंगाल, राजनगर उड़ीसा, ये तीनों के तीनों सही हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, ये पूछ सकता है बीपीएससी, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल, बंगाल में था उसका पुत्र बुगरा खां, तो वही है बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और दिल्ली की बजाय बंगाल पर स्वतंत्र रूप से शासन करना पसंद किया उसने। चलिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अच्छा देख लीजिए यहाँ पे वो असत्य बोल रहा है, ठीक है ना, इन्होंने एक स्वतंत्र सशक्त राजतंत्र की स्थापना की, मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, दुआ पर शासन करते हुए पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण किया, बिहार और बंगाल पूरे सल्तनत काल इनके नियंत्रण में रहे, ये गलत है, बिहार और बंगाल सल्तनत काल में इनके नियंत्रण में नहीं रहे, पूरे बोल रहे हैं पूरे सल्तनत काल में, तो नहीं ऐसा, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, असत्य बताना था। तो पढ़ लेते हैं कि 13वीं सदी के ज़्यादातर समय बंगाल और बिहार दिल्ली के नियंत्रण में नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ख़त्म हो गया है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट MCQ हिस्ट्री में मिलेंगे, और बताना फिर मुझे कि कैसा लगा आपको, कोई भी मतलब कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो मुझे कमेंट करना, थैंक यू सो मच।